स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायो लेक्चर बाय राशिद खान आज के इस वीडियो में हम एलेवन क्लास के प्रैक्टिकल नंबर एट जिसका एम है मकसद है टू स्टडी द अन एरोबिक रेस्परेशन के मुतालिक मालूम हासिल करने वाले हैं और जर्नल बुक में किस तरह से हर क्वेश्चन का जवाब आपको लिखना है ये इस वीडियो में आपको बताया जाएगा तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक आपको देखना है और जो एक्सरसाइज़ इसके अंदर बताई गई है सवालात के जवाब बताए गए हैं वो आपको आपके प्रैक्टिकल बुक के अंदर लिखना है तो सबसे पहले हमारा एम है मकसद है टू स्टडी द अन एरोबिक रेस्पिरेशन उसके बाद ये जो है प्रैक्टिकल नंबर पेज नंबर 101 के ऊपर 101 के ऊपर जर्नल के अंदर दिया गया है उसमें एम है सबसे पहले टू स्टडी द अन एरोबिक रेस्परेशन देखिए जर्नल बुक के अंदर प्रिंसिपल लिखा हुआ है यहाँ पे जो उस है इस एक्सपेरिमेंट का वो क्या है ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंस टू ऑफ्टेन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड अन एरोबिक रेस्परेशन रेस्पिरेशन, इट इज़ ऑब्जर्ड इन सेवरल अन एरोबिक ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड सर्टन टाइप ऑफ टिश्यूज़ इन ह्यूमन बॉडी अन एरोबिक रेस्परेशन ईड्स मच लेस एनर्जी पर मोल ऑफ ग्लूकोज एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। ये इसका उसूल दिया गया है कि जो फूड सब्सटेंस होते हैं इनके ब्रेकडाउन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और बग़ैर अपसेंस के ऑक्सीजन के अपसेंस के जो अमल तनफस रहेगा बग़ैर ऑक्सीजन के अमल तनफ़स जो अंजाम पाएगा उसको हम बोलेंगे गैर हवाबाश या अन एरोबिक रेस्परेशन जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म के अंदर जानदारों के अंदर अंजाम पाएगा जैसे ईस्ट यहाँ पे दिया हुआ एग्ज़ाम्पल खमीर है फं, फंगल मेंबर है खमीर एंड सर्टन टाइप ऑफ टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी और इंसानी जिसम में कुछ नसीजे बाफ्त ऐसी होती है जिनके अंदर ये अन एरोबिक रेस्परेशन अंजाम पाएगा जिसके अंदर बहुत कम एनर्जी ख़ारिज होती है मटेरियल दिया हुआ यहाँ पे मटेरियल्स रिक्वायर्ड टेस्ट ट्यूब पेटिश सेफ्रनिन वाटर सेफरन वाटर किस तरह से बनाएंगे एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सेफरानिन इन वाटर टू मेक कलर्ड वाटर उसके बाद जर्मिनेटिंग सीड्स सलाइन वाटर स्टैंड के ओ एच पैलेट्स पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के पैलेट्स हमको चाहिए वगैरह इतना तमाम मटेरियल हमको रिक्वायर्ड है फिर उसके ऊपर पेज नंबर 101 के ऊपर दिया हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अन रेस्पिरेशन ये पूरा सेटअप है प्रैक्टिकल का हमको लैब के अंदर इस तरह का सेटअप तैयार करना है इनवर्टेड टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर सीड्स सीड्स डाले गए हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है सेफरनिन वाटर है उसके बीकर के अंदर फ्लास्क के अंदर और ये स्टैंड दिया हुआ है यहाँ पे जिसके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगी हुई है तो ये सेटअप हम प्रैक्टिकल लैब के अंदर तैयार करेंगे अब प्रोसीजर दिया हुआ है पॉइंट वाइज देखिए प्रोसीजर टेक अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब एंड फिल इट विथ सेफरन इन वाटर सबसे पहले हमको एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसको उसके अंदर सेफरन इन वाटर फिल करना है इन्वर्ट दिस टेस्ट ट्यूब ओवर अ पेटरी डिश कंटेनिंग सेफरन इन वाटर जो पैटरी डिश के अंदर सेफरन इन वाटर दिया गया है उसके अंदर टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करना है उल्टी करना है उल्टी टेस्ट ट्यूब हमको रखना है पॉइंट नंबर तीन इंट्रोड्यूस जर्मिनेटिंग सीट्स एट द बेस ऑफ टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब के बेस के अंदर ठीक है बुनियादी सतह के अंदर जर्मिनेटिंग सीड्स हमको बीज हमको रखना है द जर्मिनेटिंग सीड्स आर लाइटर देन द सेफोरिन वाटर सो दे फ्लोट ओवर द मर्क्यूरी इन द टेस्ट ट्यूब जर्मिनेटिंग सीड्स लाइटर वेट रहेंगे जिसकी वजह से क्या होंगे फ्लोट होंगे तैरेंगे मर्क्यूरी इन द टेस्ट ट्यूब जो रहेगा अब यहाँ पे पांच नंबर का पॉइंट है इफ द के ओ एच पैलेट्स आर इंट्रोड्यूज इन टेस्ट ट्यूब द लेवल ऑफ सेफरनिंग वाटर राइजेज अगेन बिकॉज के ओ एच के ओ एच एब्जॉर्ब सीओ टू अगर हम पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के पैलेट को टेस्ट ट्यूब के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस वक्त क्या होगा लेवल ऑफ सैफरेन वाटर राइजेस जो सैफरेन वाटर दिया गया है डिश के अंदर उसका जो लेवल है राइज होगा बिकॉज के ओ एच एब्जॉर्ब सीओ टू के ओ एच ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोक कर लेगी एब्जॉर्ब कर लेगी ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है अब देखिए ऑब्जर्वेशन पेज नंबर 101 के ऊपर यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई थी उसके अंदर ऑब्जर्वेशन लिखना है दो उसमें पॉइंट नंबर एक लिखना है आफ्टर सम टाइम मर्क्यूली मर्क्यूरी लेवल इन टेस्ट ट्यूब फॉल्स डाउन ड्यू टू एक्मलेशन ऑफ गैस इवॉल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ सीट्स ये हो गया पहला ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन नंबर टू लिखना है द इवॉल्ड गैस ज कार्बन डाइक्साइड सीओ टू इट इज इंडिकेटेड बाई के ओ एच पैलेट इज इंट्रोड्यूज इन द टेस्ट ट्यूब अगेन द लेवल राइजेस धिस शोज अन एरोबिक रेस्पिरेशन टेकन प्लेस ये ऑब्जर्वेशन नंबर टू के अंदर आपको लिखना है पेज नंबर एक सौ दो के ऊपर कंक्लूजन में लिखना है There is no air in that test tube, but the seeds respire anaerobically and release CO2. Mercury level goes down. KOH pellet absorb CO2 and so the level rises up. Question दिए गए हैं पेज नंबर 102 के ऊपर, तो चार क्वेश्चन यहां पे हैं। जिसका आंसर आपको लिखना है खाली जगह के अंदर और तीन एम सी क्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये इमेज देख कर आप जर्नल बुक के अंदर आपकी प्रैक्टिकल बुक लिखेंगे क्वेश्चन नंबर एक है वाई द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हाइयर इन जर्मिनेटिंग सीड्स सवाल दिया गया है कि जर्मिनेटिंग germ, सीड्स के अंदर जो रेस्पिरेशन का रेट है ये ज़्यादा क्यों होता है आपको इसका जवाब लिखना है जवाब है टू फुलफिल द हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड सिडलिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन इंक्रीज एज सीड इमर्ज फ्रॉम डॉर्मेसी एंड बिग इन जर्मिनेटिंग सीड्स रेस्पायर एट अ लोअर रेट आउट डॉर्मेसी एज द सीड्स एज द सीड्स अ लवर रेट थ्रू आउट डॉर्मेसी एज द सीड्स रेस्पायर दे टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज सी ओ टू एट सेम रेट ये आपको जवाब लिखना है क्वेश्चन नंबर टू दिया गया है वाई शुड द सीड्स बी केप्ड मॉइस्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट के दौरान सीड्स को बीज को मॉइस्ट या नम हालत में क्यों रखा जाता है जवाब लिखना है आपको द सीड्स आर नीड टू केप्ट मॉइस्ट ड्यूरिंग इनफ अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ द न्यू पार्ट्स इन द सीड्स इफ नो मॉइस्चर द सेल ऑफ सीड्स विल ड्राई अप यह आपको जवाब लिखना है क्वेश्चन नंबर तीन है हाउ डज़ द यूज ऑफ के ओ एच हेल्प टू शो दैट सी ओ टू इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द एबो एक्सपेरिमेंट इसका जवाब लिखना है के ओ एच इज़ यूज इन एक्सपेरिमेंट फॉर एब्जॉर्बशन ऑफ सी ओ टू फ्रॉम सीड्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वेन के ओ एच एब्जॉर्ब सी ओ टू इट क्रिएट वैक्यूम इन द फ्लास्क द एयर प्रेजेंट इन देंट ग्लास ट्यूब मूव इन द फ्लास्क द एयर प्रेजेंट इन द बेंड ग्लास ट्यूब मूव इन द कॉनिकल फ्लास्क दिस पुल्स द वाटर इन द बेंड ट्यूब क्वेश्चन नंबर चार है वाट वुड हैपन इफ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग के ओ एच सोल्यूशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉनिकल फ्लास्क इन द सेटअप जवाब लिखना है उसका के ओ एच सोल्यूशन एब्जॉर्ब सीओ टू रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑफ सीड्स विच क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम इन द कॉनिकल फ्लास्क कॉजिंग राइज इन द वाटर लेवल ऑफ द यू शेप्ड डिलीवरी ट्यूब राइज इन द लेवल ऑफ वाटर शोज द सीओ टू इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये आपको जवाब लिखना है चार सवालों के अब उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं तीन उसमें से पहला सवाल है इन बोथ एरोबिक अन एरोबिक रेस्परेशन विच सेम प्रोडक्ट इज फॉर्म इसके अंदर जो सेम प्रोडक्ट फॉर्म होता है गैर हवाबाश और हवाबाश अमल तनफ्स के दौरान वो आपको बताना है ये चार ऑप्शन में से तो यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि बी ऑप्शन बी है पायरुविक एसिड इसके ऊपर टिक मार्क किया है अंडरलाइन किया गया है तो जवाब में आपको ऑप्शन बी लिखना है पाइरुविक एसिड और इसको याद भी रखना है कि एरोबिक और अन एरोबिक रेस्परेशन जो होता है उसमें पाइरु पाइरुविक एसिड फॉर्म होता है तैयार होता है ऑप्शन बी सही जवाब क्वेश्चन नंबर दो है ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन यहां पे ऑप्शन बी इसका सही जवाब है अनएरोबिक रेस्पिरेशन पार्शियल ब्रेकडाउन होगा किसका ग्लूकोज मॉलिक्यूल का प्लेस इन रेस्पिरेशन क्वेश्चन नंबर तीन है वेस्ट ऑफ अन एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड ऑप्शन सी लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड तो क्वेश्चन नंबर तीन का जवाब है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड तो इस तरह से MC's तीन एम आपको दिए गए हैं पहले एम में पहला जो एम है उसका जवाब ऑप्शन बी है पायरोबिक एसिड दूसरा है अनैरोबिक रेस्पिरेशन तीसरे एम का जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से ये इमेज देखकर वीडियो देखकर आपको आपका पूरा जर्नल प्रैक्टिकल बुक एलेवन क्लास का कंप्लीट करना है और अपने क्लास टीचर से चेक करवाना है ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए थैंक यू